नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं गांव बुडग्रा में। और जब हम यहां पर आए तो यहां के ग्रामीणों की हमसे ये रिक्वेस्ट थी कि हम इस जगह पर आए और इस सड़क को ज़रूर देखें। ये यहाँ का मुख्य मार्ग है जो चंदक से आता है और इस गांव बुडग्रे को चंदक रोड से जोड़ता है, हरिद्वार रोड से जोड़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं और वाकई बहुत विकट समस्या। आप देखिए इस मेन जो रोड है इसका हाल देखिए। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आधी रोड बनी हुई है, आधी रोड नहीं बनी हुई है। सामने आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। जो भी विधायक चुने जाते हैं, प्रधान चुने जाते हैं, तो उन्हें इस तरह की ग्रामीण समस्याओं को देखना चाहिए, उनका हल निकालना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि मुख्य मार्ग होते हुए भी अब तक इस मार्ग का सुधार नहीं हो पाया है। ये मुख्य रास्ते है जो हरिद्वार से होते हुए चंदक के होके बुडग्रा के साथ भोजपुर नजीबाबाद के रास्ते से कनेक्ट होता है। देखिए मुख्य पार्टी के मुख्य नेतृत्व भी इस गांव के रहने वाले हैं, जिला अध्यक्ष भी देखेंगे, जिला सचिव भी बोलेंगे तो इस पर गांव के मिल जाएंगे। लेकिन काम के नाम पे आप देख सकते हैं क्या नज़ारा यहां पे हो रहा है। विधानसभा का चुनाव हो या हो सांसद लोकसभा का चुनाव हो, यहां पर विधानसभा का चुनाव हो तो योगी जी के नाम पर लड़ेंगे और लोकसभा का चुनाव हो तो मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे। इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसका अपने नाम का प्रचार जो होता है वो नहीं हो पाता है। मोदी और योगी के नाम का फसल काटने का काम यहाँ पर नेता करते हैं, सभी जो नेता लोग करते हैं जी जी। बाकी अभी यशवंत सिंह का दौरा यहाँ पे हुआ था ना, तो उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ प्रत्याशी हैं या क्या है, उन्होंने बस आए, हाथ मिलाए और चल दिए, ना तो प्रचार कर रहे हैं ना ही कुछ। और सबसे पहले जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। बोला जा रहा है कहीं भी प्रचार के माध्यम से ढोल ढवाड़े नहीं बजेंगे, ढोल लेके पूरे गांव में घूम रहे हैं। सबसे बड़े जो प्रचार की जो चुनाव आयोग है उसका उल्लंघन सबसे पहले यहां पे किया जा रहा है। लगभग 15-20 साल से कोई विकास नहीं हुआ। गाँव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे कुछ मिट्टी डाल ली गई, क्योंकि खुद से कितनी बार गाड़ियाँ गिर जाती हैं, सवारी आने जाने वाले होते हैं, उनके बच्चे गिर जाते हैं। बहुत सारे ये यहाँ पे ये लोग हैं, आसपास में रहने वाले लोग हैं, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बरसात में यहाँ इतनी बीमारियाँ हो जाती हैं, कोविड जैसी महामारी का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ है और कितनी नई बीमारी इस तरह गारे से पैदा होती हैं इसका शायद अंदाज़ा यहाँ के प्रशासन बिल्कुल नहीं लेना चाहता है। शायद इस पर नज़र करने की ज़रूरत है, जो मुख्य मुद्दा हमारे गाँव का अभी फिलहाल ये है। देखिए मुद्दा उठाने के लिए आम लोग तो हमेशा बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर आए, आपको थैंक यू करते हैं इस मीडिया को कि आप हमारी बात यहाँ सुनने आए। लेकिन हमेशा अगर गाँव के रास्ते से नेता बच जाते हैं कि चलो उधर की सड़क से आ जाइए, लेकिन यहाँ के लोग जो स्थानीय मुद्दा उठा रहे हैं उस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं की जाती है। जो भी हमसे वोट लेने के लिए आएंगे हम उनको इसी रास्ते से लेके आएंगे। जी 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 जी, उसको उनको हम ये दिखाएंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, जो हमारा मुख्य रास्ता है उस रास्ते में ही हमारा ये, अब ये मान लीजिए हम तो इस गाँव के रहने वाले हैं जी जी, यहाँ को कम से कम 50 गाँव के लोग गुजरते होंगे जी, और वो हमारे गांव के बारे में क्या सोचते होंगे कि ये कैसा गांव और इतना बड़ा गांव। आज यशवंत सिंह जी आए थे, उन्हें लाए थे क्या इस रास्ते से? नहीं लाए, वो आए कहाँ है? अच्छा, आए बस हाथ मिलाया और चले गए। उन्होंने कुछ पूछा जी, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जैसा भी है कीचड़ हुआ पड़ा है, यहाँ बहुत गंदी रोड है, लेकिन ये रोड आधी सी बनी हुई दिखाई दे रही है, आधी नहीं आधी टूट गई, क्या हुआ इसका? ये जो है ना पल्ली साइड में बनाई थी रोड इन्होंने, प्रधान जी ने बनवाई थी, वो पता नहीं किसके थ्रू बनी, आधी उल्ली छोड़ दी थी, ये बीच का जो गोला है और पल्ली साइड में बनाई थी और पल्ली तरफ भी बनी हुई जिसमें मिट्टी पड़ी हुई है, नाली है, उसके बाद नाली बंद हो जाती है वो। अच्छा अच्छा, ये प्रधान जी ने बनवाई थी। और दूसरी बात ये है कि ये नहीं जानकारी कि जहाँ हम पैसा लग रहा है सरकार का उसे कैसा बनवाना, या तो ठेकेदार जान सके या भाई अफसर जान सके इस मामले में। अच्छा, क्या करते हैं बनवाई से कोई? अच्छा, अच्छा, सरकार से कोई सहायता नहीं, नहीं होगी। ये जो अभी 6 महीने पहले सड़क पूरी बनी है, ये तो ये जो आधा टुकड़ा है प्रधान के अंडर से बना है, आधा पीडब्ल्यूडी से बना है। अच्छा, अभी देखो बीच में तंबू बना दिया है यहाँ पे, पानी पीछे से आधा कैसे जी, इस पानी ने शायद इसका नाश मार दिया ऐसा। 1.5 किलोमीटर का पानी पूरा प्रधान जी का इलेक्शन था हमारे गांव का। अब ये देखो जब यहां रुक जाएगा तो फिर पानी तो दिक्कत होगी, इतना इतना पानी रहता है, तो हमने थोड़ा सा रुकवा रखा गांव। अभी 6 महीने नहीं बने हुए सड़कों, ऐसी बैठ गई अंदर ही हो। प्रधान जी इलेक्शन था, प्रधान जी इलेक्शन में बना दिया दो घर के पानी पास करने के लिए, पानी उधर का उधर रह गया, इधर का इधर रह गया, यहाँ का यहाँ भरा गया, आगे सड़क ऊंची होगी, कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है सड़क का, आगे ऊंचा है, अन्य पीछे ही होकर मलबा उठ के धराता जब इससे सड़क को ले भी जाता। अभी 6 महीने नहीं हुए सड़कों, फिर जाड़ों में बनी है पिछले साल ये जी। तो दोस्तों देखिए हर गांव में कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन यहाँ की समस्या काफी विकट है, क्योंकि ये जो रास्ता है कई अनेक गांव को इस गांव के साथ जोड़ता है और मुख्य बाजार से जोड़ता है, चंदक से हरिद्वार रोड से जोड़ता है। और यहाँ पर जैसा अभी एक भैया ने बताया कि यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ है, आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, और बुडग्रा के जो लोग हैं उनकी ये मुख्य समस्या है और उनकी यही मांग है कि जो वोट मांगने आए वो इस समस्या को जरूर ध्यान में रखें
और भले ही वोट ना भी मिले, लेकिन जो यहाँ के प्रधान है या शासन प्रशासन है, तो इस तरह की ग्रामीण समस्याओं को जरूर देखना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को भी संतोष हो कि हमारी भी कोई सुनवाई हो रही है। तो आज हमने अपने चैनल के माध्यम से रखने की कोशिश की है इस गांव की समस्या, और हमें उम्मीद है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी और जिन भी अधिकारियों तक ये पहुँचेगी वो इस पर सुनवाई करेंगे और यहाँ कार्रवाई होगी।